वेलकम बैक टू माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो मेकअप मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए वो फिर से एक ईद मेकअप लुक है। बहुत ही सटल कलर्स यूज करें कि आप लोग कर सकते हो आसानी से अपने घरों में और ज्यादा फैंसी कलर्स नहीं यूज करते हो। मैंने बहुत ही सटल मेकअप किया है, तो देखते हैं, चलिए देखते हैं कैसे मैंने ये मेकअप लुक करा है। और पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप। तो सबसे पहले एज यूजुअल मॉइस्चराइजेशन फॉर योर फेस। सो आई एम यूजिंग दिस न्यूट्रोजेना का मॉइस्चराइजर। सो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है। ये पंप के साथ है तो ये और भी अच्छा है, ये लॉक भी होता है तो ट्रैवल फ्रेंडली है। तो एज यूजुअल मैं जहाँ जहाँ लगाती हूँ मॉइस्चराइजर वहाँ मिरर है, इसलिए वहाँ देख रही हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप है मेरा ये इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर। सो ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है, ऑयल फ्री है ये भी, आप देख सकते हो, ऑयल फ्री लॉन्ग लास्टिंग। सो गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा आ गई हैं, अब कानपुर में भी बहुत ही गर्म हो रही है, बिना एसी के कुछ काम नहीं हो रहा। तो एसी मेरी ऑन है। सो यहाँ मैं प्राइमर भी लगाऊंगी यूजुअल, मतलब यूजुअली जहाँ लगाती हूँ मैटिफाई करने के लिए। प्राइमर के ये देखिए, प्राइमर को मैं आईलिड पे और अंडर आई भी लगा रही हूँ। सो अब मैं फाउंडेशन आज पहले यूज कर रही हूँ, फिर बाद में आई मेकअप करूंगी। तो फाउंडेशन के लिए मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे लॉरियल पेरिस का 105 इनफेलेबल प्रो मैट है। ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है गर्मियों के लिए स्पेशली, बिकॉज मैट है इस वजह से। यहाँ पे मैं एक पंप जितना यूज कर रही हूँ, ये ऐसे ट्यूब में आता है। सो गाइज देखिए, इसको मैं डॉट डॉट करके अपने फेस पे, ये मेरा एकदम शेड मैच है, इसका शेड है 105 नेचुरल बेज है, बहुत ही अच्छा शेड मैच है मेरे स्किन के लिए। एक्चुअली ये जो फाउंडेशन है ये मेरा भाई जब फिलिपीन गया था तब लेकर आया था, क्योंकि उस टाइम ये यहाँ लॉन्च नहीं हुआ था इस वजह से। तो देखिए मैं अपने स्पंज को डैम करके इसको बेसिकली बस इसको डैप डैप कर रही हूँ, बस ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत ही लाइट कवरेज दे रही हूँ मैं आज, ज़्यादा मैं अंडर आईज पे ज़्यादा इसलिए नहीं लगाती हूँ क्योंकि मेरे वहाँ पे फाइन लाइन्स अभी आ रही हैं। एज नहीं है मेरी लेकिन तब भी आ रही है अभी, तो मैं बहुत ही ज़्यादा केयर कर रही हूँ। देखिए बहुत ही अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है, लॉन्ग लास्टिंग भी है। और ईयर्स को और नेक को कभी मत भूलिए। अब मैं लगाऊंगी मेरा फेवरेट कंसीलर विच इज मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर, दिस इज इन द शेड मीडियम। तो ये नई पैकेजिंग में आया है अभी तक, अभी एक बार मैंने इसको ओपन किया था, तो आज शायद मैं इसको सेकेंड टाइम यूज कर रही हूँ। इसको ओपन करने के बाद आपको ऐसे ट्विस्ट करना पड़ता है, तो जहां जहां हल्की सी पिगमेंटेशन है बस मैं उधर ही, जैसे अंडर आईज, हल्का बस लगा रही हूँ। थोड़ा सा आईलिड पे भी लगाऊंगी बिकॉज मेरा पिगमेंटेड है आईलिड। उसी ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड, मुझे ब्लेंडर भी दूसरा लेना है मेरा, एक्चुअली यहाँ से हट चुका है ब्लेंडर। एक बार ये सब सिचुएशन नॉर्मल हो जाए फिर मैं चीजें खरीदने के मूड में हूँ, अभी तो बिल्कुल नहीं। यार कितना अच्छा कंसील किया है, यार बहुत अच्छा कंसील किया है। सो गाइज मेरा कंसीलर अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे मैं फिटमी का लूज फिनिशिंग पाउडर मैं यहाँ पे इससे ही सेट करूंगी अपना फाउंडेशन। आपको ऐसे ढक्कन में इसके कैप में निकालना होता है और फिर इसको मैं स्पंज से ही सेट करूंगी, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। बहुत ही अच्छा शेड है ये देखिए। सो गाइज एवरीथिंग इज सेट इन प्लेस, जब तक ये सेट होगा मैं अपना आई मेकअप का कंप्लीट करूंगी मेकअप। सो गाइज सबसे पहली बारी है मेरे ब्राउज की, क्योंकि ब्राउज के बिना आपका मेकअप इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे मैं ये वाला ब्रश ले रही हूँ, ऐसे एंगुलर ब्रश, और ये लॉरियल का किट है। सो मैं ये पाउडर्ड है तो इस वजह से मैं आज इसको यूज कर रही हूँ। बहुत ही ईजी है, बस बेसिकली आपको यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करनी है, उसके बाद आपको ऐसे स्ट्रोक्स बनाने हैं पाउडर से। इसमें पाउडर और
पाउडर प्लस ये क्रीम भी है, जो जेल जिसको बोलते हैं, ब्राउ जेल। अच्छा किट है, थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, 800 समथिंग का आता है, लेकिन अच्छा पिगमेंट अच्छी है इसकी। तो गाइज आईब्रोज हो चुकी हैं, बहुत ही देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल हुई है। सबसे पहली चीज़ मैं ले रही हूँ मेबली न्यूयॉर्क का मास्टर फेस स्टूडियो पैलेट है ये। सो इसमें वो कलर्स हैं जो मेरे ड्रेस से थोड़ा मैच कर रहे हैं, जैसे ये दो कलर्स। आप ब्लशर को भी एज अ आई शेडो यूज़ कर सकते हो, तो ये मैं हल्का सा डार्क और पिंक ये दोनों मिला के इसको अपनी पहले क्रीज डेवलप। तो गाइस थोड़ा मैंने क्लोजअप कर लिया है और मैक का फिक्स प्लस सॉरी मैक का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ फॉर द मिरर, बहुत अच्छा मिरर है इसका। तो देखिए मैं पहले क्या करूँगी कि यहाँ रख के, देखा आपने हल्का कलर आया, अब वही दो शेड फिर से लेके मैं अपनी पहले क्रीज बनाऊंगी। सबसे पहले इम्पोर्टेंट होती है आप अपनी क्रीज बनाना। तो ये जो लाइन आती है, जिससे ये देखिए जो लाइन है ये हमारी क्रीज है, तो मुझे इसको डेवलप करना है इसी क्रीज को। ठीक है, बस आपको ब्लेंडिंग अच्छी रखनी है। आपने पहले प्रोडक्ट को यहाँ पे प्लेस किया, पहले यहाँ ब्लेंड किया यहाँ पे, फिर आप ऊपर लेके फिर यहाँ ये क्रीज को आप बिल्ड करो। हल्का कलर देना है आपको यहाँ पे। अब आप ये देखो और ये देखो, वही सेम चीज मैं दूसरी आंख पे करके मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस देखिए मैंने दोनों आंखों पे कर दिया है। अब मैं क्या करूंगी, थोड़ा डार्क कलर ये लेके, ये वाला डार्क कलर लेके इसको मैं बस हल्का सा डीप करूंगी, ये लाइन को थोड़ा डीप करूंगी। बहुत ही लाइट हैंड रखना है ये देखिए अब, क्योंकि जैसे मैं आँख खोलती हूँ तो ये अंदर चला जाता है, तो मुझे थोड़ा ऊपर लेके जाना होता है ये चीज को, मतलब क्रीज को थोड़ा ऊपर लेके जाती हूँ मैं, क्योंकि जब मैं ऐसे आँख खोलती हूँ तो मुझे ये लाइन मेरी अंदर चली जाती है, तो थोड़ा मैं यहाँ तक लेके जाती हूँ। आप यहाँ देख सकते हो, ये आँख पे देखिए और ये आँख पे देखिए, आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अगर आपकी ये चीज अंदर नहीं जाती, जैसे हुडेड आईज नहीं है आपकी, तो आप अपनी क्रीज में ही शेडोज को रखिए, आप उसको ऊपर मत लेके जाइए। तो लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं अपनी क्रीज को थोड़ा बढ़ाऊंगी यहाँ से, यहाँ पे देखिए ये लाइन को यहाँ पे लेके आऊंगी मैं और इसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी। अब मैं एक ऐसे बड़ा सा ब्लेंडिंग ब्रश लूंगी, कुछ भी प्रोडक्ट नहीं है इसमें। अब बस मैं क्या करूंगी, जो जो चीजें लगाई हैं मैं उसको ब्लेंड करूंगी, ताकि बहुत ही ब्लेंडेड लगे मेरा आई शेडो। तो देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से ब्लेंड, देखिए कितना ब्यूटीफुल लुक लग रहा है। सो मैंने ब्लेंड कर लिया है दोनों आँख पे, कितना बहुत ही सीमलेसली ब्लेंड हुआ है। और मैं क्या करूंगी कि मेरे को कुछ फैंसी नहीं करना है आज, तो ये वाला जो शिमर है मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही लाइट है, जिसको मैंने पिछली वीडियो में हाइलाइटर यूज किया था, मैं इसी को अपने बस बीच में यहाँ पे यूज करने वाली। सो देखिए मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसे करा हुआ है, बस फिंगर से ही प्लेस करूंगी मैं। ये देखिए हल्का हल्का शिमर आ रहा है, फिंगर से मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छी पिगमेंट आ जाती है। ये देखिए अब ठीक लग गया है, सिर्फ फिंगर से लगाया है मैंने, ये देखिए पूरा आई शेडो। अब मैं क्या करूंगी, यही लाइट शेड को लेके मैं अपने ब्राउ बोन एरिया पे यहां पे हाईलाइट करूंगी। नहीं चाहिए अगर आपके पास ब्रश नहीं है इतने, तो आप फिंगर्स से भी यहाँ पे लेकिन ब्लेंड कर देना उसको। ये देखिए ब्लेंड कर दिया। अब मैं वही सेम शेड को ये छोटू से ब्रश में लेके इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करूंगी। ठीक है, और जो मैं शेड्स बता रही हूँ ये इजीली कोई भी पैलेट में अवेलेबल है, आप कोई सा भी पैलेट यूज कर सकते हो। सो लाइनर के लिए अगेन मैं ये कलबा का ही लाइनर यूज कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा मैट है ये भी, अराउंड 600 का पड़ा था मुझे, 600-700 का। बहुत ही अच्छा एप्लीकेटर भी है इसका, एकदम ऐसा एप्लीकेटर। सबसे पहले क्या करना है, मुझे तो ये छोटे से मिरर में देखना पड़ेगा, यहां से एक लाइन क्रिएट करनी है फ्री हैंड होके, कोई बात नहीं गलत हो जाएगा तो बाद में देख लेंगे उसको। फिर बाद में ये लाइन से
नीचे आना है, आप नीचे आ गए, इसको फिल करना है, फिल कर दिया। अब यहां से मैं लाइन लेकर आऊंगी एक, आप चाहो तो ये देखिए ऐसे कनेक्ट भी कर सकते हो। मैं लाइनर लगाते हुए बात नहीं कर सकती। बहुत ही बेसिक थोड़ा विंग लाइनर है। अब मैं इस लाइन को ठीक करूंगी और क्या करूंगी, इसके पॉइंट के मदद से इसको फ्लिक दूंगी हल्का सा, और यही चीज मैं सेकेंड आई पे करके आप। सो गाइज देखिए मैंने दोनों आंखों पे लगा लिया है। सो गाइज अब बारी है मेरे फेवरेट मस्कारे की, दैट इज मेबेलिन टेम्पटेशन मस्कारा। जब से मैंने ये खरीदा है मैंने दूसरा कोई मस्कारा नहीं खरीदा। पहले जो शेडोज लगे हुए हैं हमारी लैशेज में, इसको पहले ऊपर से मैं कोट करूंगी ताकि वो शेडोज सब निकल जाए। ठीक है, आपने ऊपर से कोट किया एंड देन विगल एंड अप। सो गाइज ये वाली लैशेज लगा रही हूँ, बहुत ही बारीक सी लैशेज हैं, ये पैक की लैशेज हैं। एक्चुअली नाम हम सब इसका, एक्चुअली इसका जो केस है वो मुझसे इधर उधर हो गया इस वजह से। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्लेस करी है, प्लेस करके छोड़ दिए, इसका यहाँ पे कॉर्नर लगाया, प्लेस किया, छोड़ दिया। अब मैं सेकेंड हैंड से बंद करूंगी आँख। ठीक है, दैट्स इजी, डिफरेंस देख रहे हैं आप। सेकेंड आई पे लगा के आपसे मिलती हूँ। सो गाइज मैंने दोनों आंखों पे लगा लिया, बस आप लगाने के बाद क्या करेंगे। गाइज लाइट ऐसे आ रही तो लैशेस की जो आ रही है, जो शेडो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। लगाने के बाद आप ऐसे इसको ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ पहले प्रेस करिए अच्छे से, हो गई है। अब लोअर लैश लाइन पे आते हैं। नाउ ये वाला जो डार्क कलर है इसको मैं लेके और हल्का सा पिंक भी, दोनों को मिक्स करके इसको मैं लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी। काजल के लिए आई एम यूजिंग दिस मेबेलिन का कलोसल काजल जो मुझको फ्री मिला था। ब्रश को लेके फिर से ये लाइन ब्लेंड करूंगी। इसके बाद मैं मस्कारा लगाऊंगी। सो गाइज आती हूँ मैं अपने फेस पे ब्लशर के लिए, फिर से ये पिंक वाला ले रही हूँ मैं, बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है इसलिए लाइट हैंडेड। थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये देखिए, अगर आप लेना चाहते हो बहुत अच्छी पैलेट आप ले सकते हो मेबेलिन की, अच्छी पिगमेंटेशन भी अच्छी है इसकी। ब्लेंड कर लिया। सो एक मैंने टिश्यू रखा हुआ है उसमें मैं ब्रश को ऐसे पोंछ के देन ये अपना शुगर पैलेट से कॉन्टोर का शेड लेके, क्योंकि उसमें कॉन्टोर शेड नहीं है। इस हाइलाइटर के लिए सेम पैलेट में यूज कर रही हूँ, विच इज मेबेलिन की।
नोज पे कॉन्टो करूंगी, सॉरी हाईलाइट करूंगी, कॉन्टो बोल रही हूँ, हल्का पिंकी है इसका हाईलाइटर। मेरा आउटफिट से बहुत अच्छा जाएगा ये। तो गाइज लिपस्टिक के लिए मैं आपको दो शेड बताऊंगी। एक है ये बहुत ही ब्राइट शेड है, ये शुगर का ऐसा शेड है, अगर आप लगाते हो तो ठीक है। और सेकेंड है नायका का, ये मिनी लिपस्टिक है, इट्स 35 mm, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल शेड, आपको मैं बता दूँ। ब्यूटिफुल कलर, आई डोंट नो वाई ये लाइट की वजह से कैमरा कुछ और ही दिखा रहा है। गाइज लिपस्टिक का शेड देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, कितना ब्यूटिफुल लग रहा है। यही शेड मैं लगाऊंगी, ये शेड बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा जो मैंने आपको बताया, वाइन एंड शाइन, इट्स वेरी डार्क। गाइज सब कुछ सेट करने के लिए आई एम यूजिंग दिस मेबेलिन का लास्टिंग फिक्स। इसमें शिमर्स नहीं है, इसमें शिमर्स है इसलिए मैंने इसको यूज नहीं किया था पिछली वीडियो में। तो आई एम यूजिंग दिस, अच्छे से शेक करिए। सो गाइज ये था मेरा कंप्लीटेड मेकअप लुक, कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट मिल सके। फिर से एक बार ईद मुबारक। अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।